गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 3 चल रहा है। इसकी ऑलरेडी 2 वीडियोज हो चुकी हैं, आप उनको पहले देख लीजिए। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने शुरू किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है सबका हमारा टॉपिक है। तो सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हम देख रहे हैं, वेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, यानी कि क्या होता है जब किसी धातु की जल के साथ अभिक्रिया होती है। तो व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद वाटर देन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब भी किसी धातु की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास पोटेशियम ले रखा है, ठीक है, पोटेशियम है और पोटेशियम की किसके साथ रिएक्शन है, वाटर के साथ यानी कि जल के साथ है, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से जैसे कि सोडियम है, ठीक है, और सोडियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। थर्ड, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या होता है जब किसी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। तो ये हम वैसे तो पिछले चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन को किया था, फिर भी मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, ठीक है। जब भी किसी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो धातु की जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लीजिए, वैसे तो एग्जाम्पल पिछली चैप्टर की जो वीडियोज़ हैं उनमें हो चुके हैं, ठीक है। सोडियम एक धातु है यानी कि मेटल है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि एक अम्ल है, और जब इस इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है यानी कि लवण, NaCl सोडियम क्लोराइड, और प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हिंदी में अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज, द लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि जितने भी धातुएं हैं उनको अभिक्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखना, यानी कि जो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा उसको हम सबसे नीचे की तरफ रखेंगे और जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा उसको हम सबसे ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो जो इस प्रकार से मेटल्स की अरेंजमेंट है, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो है वो लिखी हुई है, तो आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले किसको रखा गया है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, इनके नाम आगे लिखे हुए हैं। तो आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और इसको अच्छे से याद भी करना है। तो सबसे ऊपर की तरफ जो रखा गया है पोटेशियम, वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, सब अधिक अभिक्रियाशील है, और जो सबसे नीचे की तरफ रखा गया है वो है लीस्ट रिएक्टिव, जैसे कि गोल्ड है, ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम अभिक्रियाशील है। अब इसको याद कैसे रखा जाए, ठीक है, तो याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूँ, सिंपल सा सेंटेंस आपको याद रखना है, ठीक है, सेंटेंस को याद रखना है। सेंटेंस को याद रखेंगे तो आपको ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे जो मेटल्स हैं वो याद रहेंगे, ठीक है। तो ट्रिक है, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर आपने याद रखना है, ठीक है, जैसे कि हम कालू लिखेंगे तो इसके अंदर क्या रहा है, के, के फोर पोटेशियम, ठीक है, नाम, ठीक है, तो एन ए यानी कि सोडियम, ठीक है, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो यहाँ तक आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। नीचे के जो चार रहते हैं, ठीक है, वो इजी हैं, उनको आप आसानी से याद रख सकते हो, सी यू एच जी ए जी ए यू, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। सेंटेंस को याद रखिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करना इजी हो जाएगा, ठीक है, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ये एग्ज़ाम के अंदर
इसका क्वेश्चन डला होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ का। तो आगे के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो इसी से रिलेटेड रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है? तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।